तो देखो, HB पेंसिल हो चुकी है अपनी, 2B से स्टार्ट करना। तो 2B का पीछे वाला जो हिस्सा है, ये भी अब डार्क टू लाइट ही आएगा, ये सबसे पीछे वाली फिंगर है, ये भी स्मूथली करो। ये डार्क है, नीचे आते आते छोड़ दो, वो हिस्सा लाओ ही नहीं, क्योंकि वो तरह ना छोटा सा एरिया है कि उसमें अगर फिल करने की कोशिश करोगे और ब्लेंड करोगे वो पूरा एक जैसा हो जाए। ऊपर ऊपर के हिस्से पर रखो, पहले 2B थोड़ा और डार्क चला लो, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा, ये तो फिंगर ही है, शेड करो। ये वाला जो हिस्सा है पूरा नीचे का हिस्सा नहीं छूटा, यहाँ यहाँ पे भी शेड है, ध्यान दो अगर, यहाँ यहाँ पे भी शेड है, फिर इस तरीके से जाता है। नीचे आते आते हल्का हल्का छोड़ दिया, तो मैंने क्या किया, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट शेड किया। अब ब्लेंडिंग स्टंप लो, ब्लेंडिंग स्टंप को थोड़ा साफ कर लो, ओके, जितना ज्यादा हो सके, और बहुत पीछे पकड़ के, ठीक है, पीछे होल्ड करना है अपन, पीछे पकड़ के ध्यान से हल्के हल्के से ब्लेंड करो, बहुत हल्का चलाना, प्रेशर के साथ चलाओगे वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, धब्बे आ जाएंगे, अपन को वो नहीं चाहिए। ऐसे धीरे धीरे आगे सर्कुलर चलाओ, यहाँ पे फिर ऐसे ऊपर ओवल शेप में चलाते चलाते नीचे लाते, ओवल शेप में चलाते चलाते नीचे लाते, ठीक है। ऊपर का हिस्सा मेक श्योर कि थोड़ा सा डार्क हो, अपन को याद रखना ऐसा ना है कि ये फिंगर बहुत ज्यादा डार्क और ये लाइट हो गई या फिर वाइस वर्सा, अपन को दोनों को सिमेट्री में रखना है, शेड भी ऐसा नहीं करना कि एक भी शेड ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर ऊपर करो, नीचे आते आते हल्का हल्का, ये सामने वाली फिंगर है तो इसमें ब्रश चलो, इस वाले एरिया पे नीचे लाते आते ब्रश, सेम चीज ऊपर स्मूथ करने के लिए। फिर इसके बाद क्या करना, अगली लेयर 4B लेके बहुत कम ही लगा दिया, ठीक है। ऊपर वाले में हल्का हल्का यहाँ कर लो, आउटलाइन की तरह आ जाएगा, वाले में यहाँ पे हल्का हल्का शेड आएगा, नीचे आते आते लाइट हो गया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं लाना है, अपन को इसके कॉन्ट्रास्ट में रखना है, याद रखना ब्लेंड होने के बाद सेम दिखना चाहिए, यहाँ यहाँ पे भी ठीक है। और फिर ब्लेंडिंग स्टॉप आराम आराम से ओवल शेप में चला, एक बार में ऊपर से नीचे से ले जाओगे तो बीच में रुक गए अगर, तो फिर उसमें जाने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए ओवल शेप में चलाओ, सर्कुलर में चलाओ, ठीक है। सेम चीज यहाँ यहाँ पे, फिर ब्रश से करो पर्टिकुलर एरिया से 4B वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करो, सिंपली जो अपन ने एंड की है उस वजह से आउटलाइंस जो है कुछ भी हल्की हल्की गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने दोनों फिंगर्स कर ली शेड। इसमें भी अपन को वो चीज रहती है कि यहाँ पे फिंगर्स में जो डिटेल्स वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आएगा डिटेल्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो इतना करो, अगर देखो कॉलर बोन का नहीं समझ में आ रहा, स्केच में ड्रॉ कर, ये है यहाँ वाले एरिया पे आती है वो हड्डी जो मेन रहती है, इस वाली वी शेप जो है अपना वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये करना है, तो हल्का हल्का ड्रॉ कर, यहाँ पे भी एक लाइन खींचो, ठीक है, सेम चीज लाइन यहाँ खींचो, हल्की सी ड्रॉ शेप, जो वी शेप है इस तरीके से।
बहुत लाइट, अब ऐसा नहीं कि बहुत एकदम पेंसिल आगे पकड़ के लाइंस खींच कर शेड किया है ऐसा, अब इसमें थोड़ी डेप्थ देनी है, थोड़ी मोटाई देनी है, इन्हें ऐसे सर्कल्स पर ड्रॉप शेड करो इसके अराउंड, ठीक है। पूरे में नहीं भरना है अपन को, यहाँ देखो थोड़ा सा हाईलाइट है, अभी मैंने बोला एक और स्क्रीन पे खोल लो अपनी इमेज, यहाँ यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट है, तो थोड़े हाईलाइट पार्ट है, जैसे कौन से हो गए यहाँ पे सेंटर पे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, यहाँ फोन के नीचे, ये राइट साइड वाले पोर्शन में, ये नीचे वाले पोर्शन में, ओके। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये छोड़ दें, फिंगर्स के अराउंड हल्का हल्का मैंने ऐसे शेड किया, ये लाइन की थी इसके अराउंड ऐसे ऐसे हल्का हल्का शेड, ठीक है। ये जो वी शेप आ रहा है ऊपर की तरफ राइट साइड, यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे शेड किया, यहाँ पे हल्का हल्का लेफ्ट से लेफ्ट बीच में गैप सा, प्रॉपर फिंगर वाला एरिया बहुत कॉलर बोन राइट साइड में आती है, सेम तरीके से अपन को यहाँ करना है, ऐसे सर्कल्स में शेडिंग करो, अपन लाइंस में क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन लाइंस में क्या होता है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो आता है, उसके चक्कर में कुछ एरिया छूट जाते हैं। सर्कुलर शेडिंग से क्या होता है, अपन पर्टिकुलरली हर एक एरिया को अच्छे तरीके से शेड कर रहे, क्योंकि सर्कल्स में क्या होता है एक बार कर दिया उसके ऊपर दो तीन बार और चलता है, यहाँ पे आया जैसे ये वाला एरिया, ये तो अपन कर ही चुके थे सेम इस तरीके से, तो अपन को ये फिल करना है, ठीक है नॉर्मली, और फिर नीचे आते आते लाइट करना है, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, फिंगर्स के अराउंड शेड किया, बस इसमें फर्क इतना है यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ पे एक और हाईलाइट छोड़ रहे थे अपन इस वाले एरिया में जो थोड़ा उठा हुआ लगे, ताकि अपन को अपन बस उसे छोड़ के बाकी सब पूरा हिस्सा ही ऐसे फिल कर देंगे ऊपर ऊपर का, ठीक है। और फिर इन हल्का हल्का शेड नीचे करते हुए, लाइटली लाइटली शेड करते हुए यहाँ पे आ गए, तो अपन ने हाईलाइट तीन चार जगह छोड़े हैं, ये वी शेप है उसके राइट हैंड साइड और उसके लेफ्ट हैंड साइड हल्का सा, फिर नीचे कॉलर बोन जो आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे, वो जो हड्डी आती है ना इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये उठी हुई रहती है, ओके। तो ये वो वाले एरिया हो गए, अब एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे भी लगे कि हाँ मानो मुझे लग रहा रफ शेड है, तो हल्का हल्का कर, ठीक है। टूबी की जगह एचबी उठाओ उस जगह को फिल करने के लिए, क्योंकि टूबी क्या रहता है फिर पैचेस आ जाएंगे उस पर डार्क से, अपन वो नहीं चाहते, ओके। तो इतना करो, कॉटन लिया अपन ने इस तरीके से, इधर पे हल्का सा ऐसे सर्कुलर सर्कुलर चलाओ, ठीक है, फेस पे नहीं आए, कॉटन से बहुत जल्दी भी ब्लेंड हो जाता है इसलिए बहुत घिसना नहीं पड़ता। अब देखो जैसे कॉलर बोन वाला पोर्शन है, तो जैसे अपन ने शेड किया था यहाँ पे ऐसे सर्कुलर में किया था शेड, तो ऐसे सर्कुलर सर्कुलर करो, जो हाईलाइट्स छोड़े हैं सबसे बेस्ट रहता उनके अराउंड कर लो, जैसे यहाँ पे हाईलाइट छोड़ा था उनकी बॉर्डर बॉर्डर पे हल्का कर लिया, यहाँ पे हाईलाइट छोड़ा था मैंने इसकी बॉर्डर पे हल्का हल्का मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे हाईलाइट छोड़ा था तो इसकी बॉर्डर पे मैंने हल्का हल्का ऐसे कर लिया। सेम चीज आता है वी शेप के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे सर्कल्स में चलाऊंगा ऊपर ऊपर, यहाँ पे सेम चीज फिंगर्स के नीचे,
जब उसकी बॉर्डर्स कर रहा था तो उससे भी मेरा ज्यादातर पोर्शन हो गया, बसते ही नीचे वाला तो हल्के हल्के से कर नीचे वाले पोर्शन में बहुत स्मूथली बस वो ब्लेंड हो जाए। फिर उसे तरीके से डायरेक्शन में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर लो, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, ओके, तो ये ब्लेंड हो गया। लेकिन अभी भी अपन को उतना डिजायर्ड टेक नहीं मिला जो अपन को थोड़ा डेप्थ चाहिए। तो अपन जो है ये वाला जो एरिया कॉलर बोन वाला, यहाँ पे ब्रश चलाए, ठीक है, ये थोड़ा उठी हुई सी है ये अपन को कॉलर बोन। अब यहाँ पे जो सर्किल बनाया था इसे नीचे की तरफ तक ले जाओ, इसे भी सेम तरीके से नीचे की तरफ ले जाओ, ये कॉलर बोन इसी जैसी आती है। ये वी शेप जो है, वी शेप में कौन सा पोर्शन, यहाँ पे अंदर वाला, यहाँ पे थोड़ा और ब्रश चलाओ, यहाँ पे थोड़ा और ब्रश चलाओ, ओके, थोड़ा जो बीच में सेंटर पार्ट है हल्का हल्का ब्रश उसमें भी चला लो। तो ये तो सेकेंड लेयर रहती है जो अपन को अब डेप्थ दे रही। पहले अपनी एकदम प्लेन था, अपन ने पूरे में एक तरीके से सिर्फ फिल करा था, अब अपन ने हाइलाइट्स उठाए हैं, उसमें डेप्थ दिया है, अपन ने एक शेप दिया है, ठीक है, अपन ने उस पे क्या कहते हैं ये कॉलर बोन वोकल कॉर्ड इनका शेप दिया है, इसमें थोड़ा और डेप्थ ऐड करेंगे तो सेकंड लेयर ये हो जाती है अपनी। ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इधर पे हाइलाइट्स है, डेप्थ जो है हल्की हल्की बॉर्डर पे, तो 4B पेंसिल ली हल्का हल्का, देखो आप हल्का हल्का मतलब ये नहीं था जल्दी जल्दी कुछ भी कर, ये जो है बहुत स्मूथली कर रहा है, ठीक है, तो डेप्थ आ रही है और अंदर की तरफ आते आते लाइट होती जा रही है, ठीक है, ठीक है, लाइट होती जा रही है और बस हो गई। मैं यहाँ बॉर्डर पे रखता हूँ। अब आते हैं कॉलर बोन वाले, नीचे वाले पोर्शन से अब अपन को नहीं करना छेड़छाड़, बहुत ज्यादा उसे डार्क नहीं करना, अपन को जो करना है ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला आराम आराम से इसे शेड करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एकदम आके छोड़ दिया, नहीं, इधर पे जब आने लगो तो पहले ही थोड़ा लाइट करो, सही है, यहाँ पे आने लगो तो मैं एकदम छोड़ूंगा तो वो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम, नीचे आते आते हल्का सा लाइट कर दो ताकि वो 4B के मतलब कहते हैं 2B के ब्लेंड कर, इस तरीके से स्मूथली करना ताकि बहुत ज़्यादा स्मजेस ना। ओके, अब ब्लेंडिंग की जब बारी आती कॉटन लो, ये वाले पोर्शन पे बाहर बाहर के मैं ब्लेंड करूं, सिर्फ बाहर बाहर के अंदर अंदर तक नीचे सर्कुलर चलाओ कॉलर बोन के ऊपर तक, ओके, और फिर हल्का हल्का नीचे नीचे, अपन को पूरा डार्क करने की जरूरत नहीं है नीचे। सेम चीज यहाँ पे क्या करना, हाइलाइट्स के सराउंडिंग में करो,
ठीक है, हाईलाइट की बॉर्डर बॉर्डर पे अपने आप हो जाएगा बाकी कुछ। जब अपन ने लाइन बनाई थी, हल्का हल्का इस पे करो, फिर इसकी बॉर्डर्स पे करो, यहाँ यहाँ पे करो, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए नीचे लाओ, धीरे धीरे करते हुए नीचे। आपके बॉर्डर पे इतना ग्रेफाइट होगा कि नीचे नीचे वाले को भी एकदम ही लाइट ना छोड़े, अपन हल्का हल्का उस पे वो आ जाएगा, कहते ग्रेफाइट। सेम चीज अपन ने जो पहले करी थी, यहाँ पे हाई डेप्थ है तो ब्रश चलाया, यहाँ पे डेप्थ है ब्रश चलाया, यहाँ तो डेप्थ है अपनी, क्या कहते हैं, कॉलर बोन पे ऐसे, और आगे की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ करवाएं, यारा सेंटर की तरफ ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ कर, ठीक है। सराउंडिंग पे अच्छे से चला दो, इस तरीके से अपनी और लेयर नीचे नीचे भी हल्का हल्का स्मूथ कर दो, और देखो थोड़ी और डेप्थ आ गई, थोड़ा और बेटर है।